सुगत कुछ ही टाइम बाद आने वाला है त्यौहार हैप्पी होली का। हम लेकर आए हैं इस टाइप का हैप्पी होली स्पेशल फोटो एडिटिंग। और जी गाइस, इस टाइप का एडिटिंग आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं सिखाया होगा, मैं सिखाने वाला हूँ बिल्कुल आसान स्टेप्स में, ठीक है ना। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, अगर इस टाइप का एडिटिंग सीख जाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ठीक। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले इस टाइप का एडिटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने पिक्स ऐड में एक नॉर्मल से बैकग्राउंड को एड कर लेना है। देन इसके बाद टूल्स वाला ऑप्शन पाकर इसका रीसाइज पर टैप करना है और फोटो का जो भी रीसाइज है ना वो एड कर लेना है, ताकि फोटो को हम एडिट करेंगे ना तो इसका क्वालिटी ना लो नहीं होगा, ठीक है। एक बार ज़्यादा साइज लिखनी है, अब नीचे देख सकते हो जिसकी रियल साइज आ चुकी है 2498, ठीक है ना। अब ये करने के बाद हमारा फोटो का जो क्वालिटी ना कम ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जरा जाना ऐड फोटो पर और सिंपली यहाँ पर हमने फोटो को ऐड कर लेंगे जिसको हमें यहाँ पर एडिटिंग करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अपने फोटो को ले लूँगा सिंपली, ओके। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि मैंने फोटो को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले फोटो को अच्छे से जूम कर लेना है, ठीक है। और देन इसका बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो इसके लिए आपको रिमूव बिजिप टैप कर यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है ना। वन क्लिक में बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा, तो ओके। तो आप देख सकते हो, फिर आपको आ जाना है इरेजर पर और देन यहाँ पर इसका हार्डनेस आपको कम रखनी है और देन साइज को बड़ा कर देना है और कुछ इस प्रकार जो रीस्टोर पर टैप कर यहाँ पर आपको जो सड़क है ना इसको थोड़ा सा लेकर आना है वापस, ठीक है ना। तो जिसके हम लेकर आ चुके हैं, फिर यहाँ से आपको सिंपली डन कर देना है और एंड देन फोटो को वापस जूम करना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से आपको कर लेना है, ओके ओके। तो गाइस ये हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली इधर आ जाना है स्टिकर ऑप्शन पर, ठीक है ना, यहाँ पर। और देन यहाँ पर आपको होली लिख देना है, ठीक है, सिर्फ ओनली फॉर होली, ठीक है। और यहाँ पर जो पेंजेस आ जाएंगी, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें टेक्स्ट पेंज मिल जाता है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है, ओके। एंड देन स्टिकर पर आ जाना है और देन नीचे स्क्रॉल कर देना है आपको, और गाइस यहाँ पर हमने जैसे कि देखा होगा सारा रहा पीएनजी आपको दिखी देना, उसको लेकर आना है सिंपली और यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, ठीक है ना, यहाँ पर। देन स्टिकर पर आना है और यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ये फोक पीएनजी इसको लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे और यहाँ पर, ठीक है। और देन इसके बाद आपको आ जाना है वापस स्टिकर और देन यहाँ पर जैसे कि हमारी ये कलर की ये पीएनजी से इनकोड करेंगे, ठीक है, तो इनको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपको स्टिकर पाना है और देन स्क्रॉल कर देना है जिसकी ये कलर की पीएनजी से ना कलर जैसे इनको हम यहाँ पर नीचे ऐड करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है। फिर स्टिकर पाएंगे हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो जिसके थाली में कलर्स है ना इनको लेकर आएंगे और इनको भी यहाँ पर साइड में ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ। फिर और स्टिकर पाएंगे, ओके। तो गाइस यहाँ पर जैसे आप देख सकते डोल वाला पीएनजी इसको हम लेकर आएंगे और इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। ये हो जाने के बाद आप देख सकते हो फोटो कितना कमाल का दिख रहा है ना हमारा। अब सिंपली एक बार यहाँ से क्या करना है आपको, डन कर देना है, ठीक है। फिर इधर जाना है आपको टूल्स पर एंड यहाँ पर एडजस्ट पर टैप करना है, ठीक है ना आपको। और उसका कलर को आपको माइनस कर देना है, यानी कि सॉरी ब्राइटनेस को, और देन इसको आपको इन्वर्ट पर टैप कर यहाँ पर जो ये कलर्स हैं ना इनके नीचे आपको शेडो बदल देने, ठीक है ना, ताकि रियल लगे फोटो हमारे, ठीक है ना। जैसे मैं शेडो बना रहा हूँ उसी प्रकार से आपको इसकी शेडो इंक्रीज कर देना है, ठीक है ना, बना देना है, ओके। तो देखना हम कितनी अच्छी से हमारे शेडोज लग रहे हैं ना, इनका थोड़ा सा अमाउंट हम कम कर देंगे, ओके। फिर यहाँ से हम आपको डन कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, इस फोटो को अपने अडोब लाइट रूम में ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लूँगा सिंपली और इसको लाइट रूम में ऐड कर लूँगा, ओके। तो गाइस जैसे कि फोटो एडिट का लाइट रूम ऐप में सबसे पहले आपको एडिट पर टैप करना है और देन यहाँ पर कलर पर टैप करना है, फिर कलर मिक्स पर टैप कर यहाँ से फेस कलर टोन की सिचुएशन माइनस कर देनी है और देन लाइट को इंक्रीज करना है, ठीक है ना जान। इसके बाद आपको रेड कलर है इसकी सिचुएशन इंक्रीज करनी है और यहाँ पर येलो है ना इसकी भी सिचुएशन इंक्रीज, ग्रीन, सारे कलर की एक बार आपको सिचुएशन यहाँ पर इंक्रीज कर लेनी है, ठीक है ना मेरे जान। तो यहाँ पर मैंने जैसे प्रकार से कर लेना, फिर सिंपली यहाँ से डन कर देना है एंड वाइब्रेशन इंक्रीज कर लेनी है, फिर सिचुएशन भी को भी वो लाइट पाकर यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, ठीक है। और देन इफेक्ट पा देना है, क्लैरिटी इंक्रीज करनी है आपको और देन टेक्स्चर को इंक्रीज, फिर आपको डिटेल पा देना है सिंपली और शार्पनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। और देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख सकते हो गाइस बिफोर एंड आफ्टर मैंने यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर हैप्पी होली स्पेशल फोटो एडिटिंग करना सिखा दिया हूँ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप भी सीख गए होंगे सेम होली फोटो एडिटिंग करना। अगर सीखे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें,
सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लियर, बाय बाय।